Good morning, student. How's you all? I hope you all are good. Be smile always. Today we are going to start our class, and today we learned about some word meanings. Okay, so now we start. Confess मतलब होता है स्वीकार करना. डिनाई मतलब होता है इनकार करना. एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, और चीप मतलब होता है सस्ता. आप कहीं भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं शॉपिंग मॉल में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे दो तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी. एक तो महंगी चीज़ें मिलेंगी एक्सपेंसिव, और एक सस्ती चीज़ें मिलेंगी चीप. ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. स्टनिंग मतलब होता है बेहद सुंदर. स्टनिंग मतलब बेहद सुंदर कोई चीज़. जैसे कोई दो तरीके, जैसे मान लीजिए दो लोग बैठे हैं और दोनों लोग ड्राइंग बना रहे हैं. एक ने अच्छा बनाया और एक ने उससे बहुत अच्छा बनाया, तो वो हो जाएगा बेहद सुंदर. ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, आप लोगों को खोजना है धोखेबाज का क्या होता है मीनिंग. ठीक है, आप लोगों को धोखेबाज का मीनिंग खोज कर और लिखना है. अच्छा देखिए, यहाँ पे दिया मैलपट मतलब होता है बेशरम या ढीठ. नहीं बोलते अरे तुम बहुत बेशरम हो, तुम बहुत ढीठ हो, तुम ये हिल ही नहीं रहे हो, यहाँ से जा ही नहीं रहे हो, बहुत ढीठ हो. तुम्हारा कोई दोस्त आकर बैठ गया घर पे, तो तुम उसको बोलते हो अरे तुम बहुत ढीठ हो, जा नहीं रहे हो घर पे. तो वहाँ पे ढीठ नहीं बोलेंगे, मैलपट का यूज़ करेंगे. उसके बाद है रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट मतलब होता है नाराज़गी या नाखुशी. कोई आप से नाराज़ है या आप किसी से नाराज़ हैं. ठीक है, तो वहाँ पे रिजेंटमेंट का यूज़ करेंगे. उसके बाद आता है ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा. कोई चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए सडनली आपको किसी ने कह दिया कि भरी भरी भीड़ में चलिए गाना गाइए, तो वहाँ पे ऑकवर्ड फील होता है हमको, थोड़ा अटपटा लगता है कि गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे, तो वहाँ पे ऑकवर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, मैवरिक मतलब होता है, मैवरिक मतलब होता है आवारा. आवारा कुत्ता देखा है जो पाल एक घूमता रहता है गली गली इधर उधर इधर उधर, तो वो आवारा कुत्ता होता है. ठीक है, और कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी ये वर्ड यूज़ कर देते हैं अपने बच्चे के लिए. बहुत आवारा हो गए हो, घूम रहे हो तुम, खेल रहे हो सिर्फ, पढ़ नहीं रहे हो. ठीक है, उसके बाद है मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी. हरासमेंट मतलब उत्पीड़न या कष्ट. मोलेस्टेशन क्या होता है, कोई छेड़खानी कर दे अगर आपसे, तो वो मोलेस्टेशन होता है. कोई अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई चिढ़ा दिया या आपके ऊपर कोई गंदा कमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये मोलेस्टेशन में आता है. छेड़खानी करते हैं ये लोग, या आपका साइकिल किसी ने रोक लिया, आपसे बदतमीजी करने लगे. ठीक है, तो ये मोलेस्टेशन होता है. उसके बाद हरासमेंट होता है. अच्छा, हमें मोलेस्टेशन को कभी भी वो नहीं करना चाहिए, इसको लेट गो नहीं करना चाहिए, इसका जम के विरोध करना चाहिए. अगर कोई भी आपको अगर लगता है, आप लोग बड़े हो रहे हैं आप धीरे धीरे, अगर आपको लगता है किसी ने आपको गंदे तरीके से बात किया है, किसी का इंटेंशन गंदा है, तो उसका तुरंत विरोध कीजिए. सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को बताइए, घर पे अपनी मम्मी पापा से टॉक, लड़कियां हैं तो पापा से टॉक करने में वो होती है, आप अपने मम्मी से बोलिए. किसी ने भी आपके साथ अगर ऐसा लगता है कि गलत बदतमीजी कर दी है, तो आपको इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. ठीक है, नहीं तो वो सामने वाले की फिर से हिम्मत बढ़ जाती है, उसका तुरंत विरोध कीजिए.
ए ब्रेव गर्ल की तरह उसको हैंडल कीजिए और उसका वहीं पे विरोध कीजिए, और फिर उसके बाद पेरेंट्स कीजिए, पेरेंट्स उसके बाद लीगल वो करेंगे, एक्शन लेंगे उसके ऊपर। हरेसमेंट हो गया, उत्पीड़न करना या कष्ट करना, किसी को उत्पाड़ित करना, मुंह से बोलना या मारपीट कर देना, इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी, धोखेबाज, जो मैंने अभी पूछा था आप लोग, किसी ने खोजा नहीं था ना, देखिए मिल गए यहाँ पे। स्टॉबॉर्न मतलब होता है जिद्दी अड़ियल, जो स्टॉबॉर्न मतलब होता है जिद्दी अड़ियल, जो जिद करते हैं, जो अड़ियल होते हैं। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, नेप मतलब होता है दबोचना। नेपोटिज्म भतीजावाद क्या होता है, जैसे आप नेता बन गए तो आप जो है अपने ही भाई भतीजे को नेता बनाएंगे, या आप एक्टर बन गए, जैसे आप लोगों ने देखा है बहुत सारे नए एक्टर आते हैं तो वो नेपोटिज्म वाले होते हैं, उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो उनके पापा या उनकी मम्मी कोई ना कोई फिल्म इंडस्ट्री में रहा होगा या एक्टर या एक्ट्रेस रहा होगा, तो वही सीट उनको मिल जाती है आगे चलकर। तो ये होता है नेपोटिज्म, मतलब कि जैसे जैकी श्रॉफ है, उसका बेटा टाइगर श्रॉफ है ना, तो इसी तरह नेपोटिज्म इसी को कहते हैं कि आप अपने बेटे को, भाई भतीजे को, आसपास के लोगों को ही देते हैं। नेप मतलब होता है दबोचना, फॉगिव मतलब होता है माफ करना, बाइट मतलब होता है डसना, जैसे कि कोई स्नेक हमें बाइट करता है, डसता है, ठीक है। हम्बल मतलब होता है दयालु, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, हम्बल मतलब होता है दयालु, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस। इंटेंशन क्या होता है कि जैसे आप जा रहे हैं और पीछे से कोई आ रहा है और उसका इंटेंशन पॉकेट मारने का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो या कोई आपको पीछा कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है, ये या तो मार के भागेगा या तो पॉकेट छीन के भागेगा या कुछ कुछ ना कुछ गलत बात करके या गलत चीज़ करके भागेगा। इंटेंशन क्या होना है, होता है इंटेंशन से हम ये समझ लेते हैं। उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब कि बहस करना, किसी एक दूसरे से बहस काफ़ी देर तक करना किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके। अब हम पढ़ेंगे कुछ गेम होते हैं जो हम खेलते हैं। एक होता है लुक्का छिपी, हाइड एंड सीक एक गेम होता है, इसमें क्या होता है एक बाकी लोग छिप जाएंगे और एक कोई उनको पकड़ने की खोजने की को सर्च करेगा, उनको कहाँ पे हैं कहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो वो होता है लुक्का छिपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक। पकड़म पकड़ाई का खेल, पकड़म पकड़ाई खेला है आप लोगों ने, हाँ, एक भागता है, एक दूसरे को छूते हैं, फिर वो चोर हो जाता है, फिर उसको भागते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं टैग गेम। टैग गेम क्या होता है, पकड़म पकड़ाई का गेम होता है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ठीक है, तो ये पकड़म पकड़ाई का गेम होता है। सांप सीढ़ी, ये आपके लूडो वाले गेम में होगा, स्नैक एंड लैडर, स्नैक एंड लैडर्स। तो सांप सीढ़ी का खेल आप लोग खेले होंगे, मुझे पता है सब कोई खेला होगा, बहुत अच्छा गेम होता है। इसमें क्या होता है, गोटियाँ होती हैं और पासा होता है चलने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सांप जगह जगह सांप बने रहते हैं और लैडर्स लगे रहते हैं, आपको लैडर्स मिल गए तो आप ऊपर चढ़े गए, स्टेयर मिल गया तो सबसे ऊपर चढ़े गए और वहाँ पर आपको सांप ने बाइट कर लिया तो फिर नीचे आ गए। ये सांप सीढ़ी का गेम होता है, इसको इंग्लिश में स्नेक एंड लैडर्स बोलते हैं। सतोलिया, सेवन स्टोन्स, सतोलिया गेम होता है, इसमें एक दूसरे को मारते हैं वो किसी कपड़े के बॉल से या किसी प्लास्टिक की छोटी गेम से,
ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग गेम होता है, ये मैंने भी खेला हुआ है ये गेम। अब मुझे, मैं बहुत खेलता था छोटा था ना जब, मैं बहुत इस गेम को खेलता था। सतोलिया दौड़ा दौड़ा के मारते थे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेवन स्टोन्स, गिल्ली डंडा, टिपकैट गेम। गिल्ली डंडा आप लोगों ने खेला है, बॉयज़ तो खेले ही होंगे ज़्यादातर। इसमें एक लकड़ी का छोटा सा गिल्ली रहता है और एक उसको हिट करने के लिए एक स्टिक बनाते हैं और उससे उसको उछाल कर जोर से मारते हैं, जितना दूर जाता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काउंट करते हैं स्कोर कितना हो। तो देखिए जितना भी गेम मैं बता रहा हूँ इसको जब भी आप खेलेंगे तो अब इसको सतोलिया नहीं बोलेंगे, इसको सेवन स्टोन ही बोलेंगे, गिल्ली डंडा नहीं बोलेंगे, ठीक है, टिप कैट गेम बोलेंगे, इसको इंग्लिश में ही बात करेंगे आगे। उसके बाद है कंचों का खेल, मार्बल्स गेम। कंचा एक गोल सा लोहे का, सॉरी लोहे कह रहे, कांच का शीशे का एक गोली होता है, ठीक है, गोल सा एकदम उसका सर्कल में आकार होता है, शेप होता है, ठीक है। उससे हम दूसरे मार्बल को मारते हैं, दूसरे वाले कंचे को मारते हैं, ठीक है, तो वो होता है कंचे का गेम, मार्बल्स गेम। तो आज हम लोगों ने जितने सारे भी वर्ड मीनिंग सीखे हैं उसको हम राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक पे और क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, लिखकर और इसको याद करेंगे। इसको याद करना है आप लोगों को, और जब भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी बात करनी है इसी, इनमें से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको डेली यूज़ करने को मिल जाते हैं, तो आप कभी भी हिंदी में मत इसको यूज़ कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही इसका यूज़ किया जाए, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग आज मैंने बताया है इसको आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है, अपनी रूटीन में इसको लाना है, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे कल अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इंग्लिश बोलते रहिए, टूटा फूटा ही सही बोलते रहिए, जितना बोलेंगे उतना आएगा, परफेक्ट बन जाएंगे आप एक न एक दिन इसमें, इंग्लिश में, ठीक है। बाय, थैंक यू क्लास।